हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एस्पेक्टेड डेथ. ओके, दैट नथिंग बट द सफोकेशन. ओके, इन प्रीवियस टू क्लासेस वी हैव सीन द हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन. ओके, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मोड्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि एस्फिक्सिया वहाँ पे कॉज होता है और अल्टीमेटली जो विक्टिम होती है उसकी डेथ होती है. और वहाँ पे हम पोस्टमार्टम अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करके कि ये हैंगिंग से हुआ है या फिर ये स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है, ये हम अलग अलग बेस से उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, तो टुडे हियर वी विल डिस्कस द सफोकेशन. तो अल्टीमेटली नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में या फिर डेली हम जो वर्ड बोलते हैं, ओके, जो सेंटेंस बोलते हैं कि सफोकेट होना, यानी कि जो बोलते हैं ना कि जब समर सीज़न में या फिर जब हम ज़्यादा वेट वगैरह जब फील करते हैं, ओके, तो अल्टीमेटली जो विंडोज़ होते हैं उनमें जब कर्टन वगैरह जब लगे हुए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम सफोकेट फील करते हैं हम क्या बोलते हैं कि कर्टन हटा दो, विंडोज़ से कर्टन हटा दो. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली वी आर ओपनिंग द विंडो. क्यों ओपन करें, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो एयर है, ओके, थोड़ा बहुत एयर जो पास होगा, ओके, विद इन्वायरमेंट वो थोड़ा सा उनमें एक्सचेंज हो. ओके, तो अल्टीमेटली इसका मेन रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न यही हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे इनसाइड द रूम वो आए. ओके, तो सफोकेट बंदा कब होगा, कोई भी पर्सन सफोकेट फील कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा. ओके, तो अल्टीमेटली डिप्रिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन या फिर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी को मिलता है, देन हमें क्या होता है, सफोकेट फील होता है. ओके, तो ये जो मीनिंग है ना, अल्टीमेटली यही मीनिंग का इम्प्लीमेंट, यही मीनिंग का जो रिलेवेंट इस पर्टिकुलर सफोकेशन टॉपिक में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है. ओके, तो सफोकेशन अल्टीमेटली जो हम नॉर्मली फील करते हैं, ओके, हमें जब नॉर्मली जब ऑक्सीजन नहीं मिलता जब हम सफोकेट फील करते हैं, ये हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ पे बंदे को सफोकेट किया जाता है. ओके, ये होमिसाइडल केस है, यहाँ पे बंदे को सफोकेट किया जाता है. ओके, यानी कि सफोकेट होना और सफोकेट करना या दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है. ओके, तो अल्टीमेटली सफोकेशन मतलब मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सिनोनिम्स विद एस्फिक्सिया, ड्रॉनिंग इन विच एस्फिक्सिया, यानी कि जब किसी को हम मारने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉनिंग, यानी कि उसको रिवर में या फिर कोई भी लिक्विड मीडिया में जब उसको ढकेल देते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो फ्लूड होता है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पे एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है. ओके, विद द कैपिलरीज जो लगे रहते हैं, ओके, ब्लड वेसल जो लगे हुए रहते हैं, फ्लूड बढ़ने की वजह से, लंग्स में फ्लूड रहने की वजह से, ओके, कैसे लंग्स में फ्लूड गया, क्योंकि ड्रॉनिंग जो बंदे को जो बंदा है, ओके, हमने उसको क्या किया, रिवर में ढकेल दिया. ओके, रिवर में ढकेल दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूड होगा, ओके, जो वाटर होगा अल्टीमेटली उसके लंग्स में जाता है, पूरा लंग्स फिल अप विद द फ्लूड. ओके, और वहाँ पे जो होता है कि एल्वोला के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाता है. ओके, तो वहाँ पे अल्टीमेटली मेन रीज़न क्या होता है, डेथ का, सफोकेशन होना. ओके, यानी कि ड्यू टू द सफोकेशन पेशेंट डाई इन अ ड्रॉनिंग. ओके, सफोकेशन का मतलब क्या हुआ, सफोकेशन अल्टीमेटली क्लोजिंग द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफाइस आइदर बाय हैंड और बाय अदर मीन्स और ब्लॉकिंग ऑफ द कैविटी ऑफ नोज एंड माउथ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन सब्सटेंस मड पेपर क्लोथ. ओके, जो भी कुछ आगे हैं, तो अल्टीमेटली सफोकेशन का मैंने मीनिंग आपको बता दिया. सफोकेशन का जो ये बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें ये पूरा कंबाइंड डेफिनेशन दिया गया है, यानी कि जो सफोकेशन के जो फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइप्स है, जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है ना, इसमें पूरा इंक्लूडेड है. कैसे, क्लोजिंग ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफाइस आइदर बाय हैंड्स और बाय अदर मीन्स. ओके, इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको मारने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर विक्टिम या फिर किसी बंदे को, किसी पर्सन को मारने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हम किसी पिलो से क्या करते हैं, उसके नोज़ एंड माउथ को मतलब उसको कवर करते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये हमारा स्मॉदरिंग है. ओके, तो ये क्या है, अल्टीमेटली टाइप है किसका, सफोकेशन का. ओके, तो वी आर कंप्रेसिंग द नोज एंड माउथ विद द हेल्प ऑफ बाय अप्लाइंग अ हैंड्स और बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी जो ओरिफाइस है नोज एंड माउथ, उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं बाय हैंड्स और बाय अदर सब्सटेंस. ओके, ब्लॉकिंग द कैविटी विद, ये देखिए जो अल्टीमेटली जो नोज जो कैविटीज होती है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज की, जो कैविटीज होती है, ओके, रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उनको हम ब्लॉक करते हैं, कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस. ओके,
मर्ड पेपर क्लोथ, जो आपने किडनैपिंग वगैरह केस में देखा होगा कि विक्टिम के लेग एंड हैंड्स वगैरह बांध कर हम क्या करते हैं, उसके माउथ में एक गैग्ड मटेरियल डाल देते हैं। ओके, गैग मटेरियल मतलब उसके अंदर हम पेपर डाल देते हैं या फिर क्लोथ वगैरह डाल देते हैं। ओके, जो भी कुछ है अल्टीमेटली एक गैग मटेरियल हम उसके माउथ में इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो ना बात कर सके ना, ताकि वो अपना प्रॉपर तरीके से वो रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पायर कर सके। ओके, तो अल्टीमेटली ये टोटली कंबाइन हम इन्हें क्या बोलते हैं, सफोकेशन बोलते हैं। ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सफोकेशन। तो स्मॉदरिंग, ओवरलाइंग। ओके, स्मॉदरिंग में हम क्या करते हैं, अपने हाथ से या फिर किसी सब्सटेंस यानी पिलो वगैरह से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर विक्टिम का या फिर किसी बंदे का, पर्सन का क्या करते हैं, उसके जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी जो ओरिफाइस होते हैं ना, उनको हम ब्लॉक करते हैं। ओके, यानी कि नोज एंड माउथ को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स या फिर पिलो। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉदरिंग बोलते हैं। ओवरलाइंग मतलब जब मतलब एक ही छोटे से बेड में बहुत सारे लोग जब मतलब जब स्लीप या फिर जब वो सोते वगैरह हैं, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि अगर वहाँ पे अगर एक कोई न्यूनेट्स होगा या फिर कोई मतलब कोई चाइल्ड होगा, तो अल्टीमेटली ड्यू टू स्मॉल साइज बेड इससे क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है ना वो प्रेशराइज होता है यानी कि वो दब जाता है। ओके, अल्टीमेटली इन्हें क्या बोलते हैं, ओवरलाइंग बोलते हैं। जो अदर टाइप्स है अल्टीमेटली उसमें आप बर्किंग देखोगे। ओके, बर्किंग अगेन मैं आपको एक एक वन वन ये बताऊंगा ड्रोन पर ही। चॉकिंग है हमारा, गैगिंग है, ट्रॉमेटिक एसफिक्सिया है। ओके, सफोकेशन ड्यू टू द इन रेस्पिरेबल गैसेस। ओके, तो ये सभी क्या है, हमारे टाइप्स है जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या कॉज होते हैं, हमारे सफोकेशन यानी कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन ऑल दिस फॉर्म ऑफ सफोकेशन द एसफिक्सियल सिम्टम्स ओके एंड साइन आर सीवियर। ओके, जो भी साइंस मैंने आपको बताया, साइनोसिस, पिटेचरल हीमोरेज, ओके, स्वेलिंग्स होना, हीमोरेज होना। ओके, ये सभी जो अल्टीमेटली जो साइन है, एस्फिक्सियल जो साइन है, मैंने बहुत ही मतलब हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन को डिस्कस करने से पहले ही ऑलरेडी मैंने सबको बताया है। ओके, तो ये देखिए जो एस्फिक्सियल साइन होते हैं ना, उसमें मोन रिलेवेंट हो जाते हैं। ओके, यानी कि बहुत सीवियर हो जाता है इस पर्टिकुलर सफोकेशन में। सिंस डेथ इज यूजली द रिजल्ट ऑफ स्लो एस्फिक्सिया। ओके, यूजली द एक्सटर्नल साइंस ऑफ एस्फिक्सिया सच एज साइनोसिस ऑफ द फेस, पोटेंशियल हीमोरेज ऑफ द फेसेस, स्किन, ओके, फेसेस की स्किन, फेशियल स्किन, कंजक्टिवा। ओके, ये सभी कॉमनली जो हमने हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में देखा था, वही कॉमनली सफोकेशन में भी फाइंड आउट होता है। ओके, स्मॉदरिंग हमारा फर्स्ट टाइप आता है। स्मॉदरिंग अल्टीमेटली रिफर टू द डेथ रिजल्ट फ्रॉम मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ द माउथ एंड नोज दैट प्रिवेंट द ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग को हम नॉर्मली प्रिवेंट करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ओवर द दिस पर्टिकुलर नेक एंड माउथ। ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जो ये देखिए कंट्यूज एब्रेजन इन एंड अराउंड द लिप्स इन अ न्यू बॉर्न इन केस ऑफ स्मॉदरिंग। ओके, तो ये न्यू बॉर्न जो चाइल्ड, इसको मारने के लिए एक पर्टिकुलर जो बंदा होगा वो क्या करता है पता आपको, इसके नोज एंड माउथ को कवर करता है। ओके, अपने हाथ से क्या करता है, वो कवर करता है यानी कि एक फोर्सफुली प्रेशर देता है, इसके नोज एंड माउथ को कवर कर देता है। और जब नोज एंड माउथ ही एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी जो ओरिफाइस है वही जब ओपन नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन विल नॉट बी एंटर इन अवर बॉडी। ओके, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसके नोज एंड माउथ को कवर करने की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो एब्रेजन, जो मार्क होते हैं ना अराउंड द लीव्स, अराउंड दिस चीक्स, ओके, अराउंड द नोज, ये हमें फाइंड आउट होता है। ओके, सम पार्ट ऑफ द नेक ऑल्सो, इनमें क्या होते हैं, एब्रेजन फाइंड आउट होता है। ओके, एब्रेजन मतलब क्या, एब्रेजन मतलब जो बोलते हैं ना जब कभी हम रफ सर्फेस पे जब सडनली जब हम गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो खिंचाव बोल सकते हैं लेबन के लैंग्वेज में, या फिर जो बोलते हैं ना रफनेस सरफेस पे आने के से क्या होता है कि हमारे जो स्किन के जो लेयर होते हैं थोड़े से मतलब वो कट जाता है। ओके, तो एब्रेजन, कंट्यूजन, ओके, ये सभी अल्टीमेटली वहाँ पे हमें एक्सटर्नल फाइंडिंग मिलती है। ओके, पोस्टमार्टम के एक्सटर्नल फाइंडिंग में मिलता है, तो वो हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली स्मॉदरिंग मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं कि डेथ रिजल्ट फ्रॉम द मैकेनिकल ऑक्सीजन, तो ये हाथ से हमने किया, यहाँ पे पिलो भी हो सकता है, पिलो से हम अल्टीमेटली कर सकते हैं। ओके, स्मॉदरिंग एजेंट इज यूजुअली अ फैब्रिक और इम्प्रीवियस शीट और हैंड्स। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाइलाइटेड पॉइंट्स है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट्स है वो जस्ट मैंने हाइलाइटेड किया है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड द बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, तो अल्टीमेटली स्मॉदरिंग ऑफ बेबी वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल इज नॉट सो रेयर इन इंडिया कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके,
एक्सटर्नल फाइंडिंग की अगर बात करें तो नो एक्सटर्नल साइंस आर देयर. ओके नॉर्मली नो एक्सटर्नल साइंस व्हेन द ऑब्स्ट्रक्शन इज बाय सम सॉफ्ट मटेरियल सच एज बेड क्लोथिंग पिलो कशन मदर्स ब्रेस्ट. ओके यानी कि अल्टीमेटली ये जो एक्सटर्नल साइन मिला हुआ है ना. ओके ये देखिए ये जो एक्सटर्नल साइन मिला हुआ है लेसरेशन इन द लीव्स. ओके देन कंट्यूज एब्रेजन अल्टीमेटली ओवर द फेशियल पार्ट्स. ओके ओवर द चीक्स ओवर द लीव्स. ओके ये जो हमें एक्सटर्नल साइंस मिला है ना अल्टीमेटली ये साइंस कब मिलेगा जब हम अपने हैंड्स यानी पाम ऑफ द हैंड्स अगर यूज़ करके किसी को मारेंगे तब. अदरवाइज अगर सॉफ्ट मटेरियल सच एज पिलो वगैरह से अगर किसी बंदे को मारा जा रहा है तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल साइन है वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है. ओके जैसे कि आप देख रहे हो कंटिन्यूस लेसरेशन ओवर द इनर साइड ऑफ द लीफ इन केस ऑफ स्मदरिंग. ओके तो स्मदरिंग दोनों को बोलते हैं हम आइदर वो हैंड से हुआ है या फिर पिलो से हुआ है दोनों के केस में हम क्या बोलते हैं स्मदरिंग ही बोलते हैं उसको. ओके ये देखिए और क्या फाइंडिंग मिल सकते हैं स्क्रैच एब्रेशन फिंगर नेल मार्क लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ विक्टिम फेस. ओके ये हमें फाइंड आउट मिल सकता है मे बी द ब्रूजिंग एंड लेसरेशन ऑफ द लीव्स. ओके गम्स एंड टंग्स. एब्रेशन मतलब क्या एब्रेशन मतलब एक अल्टीमेटली जो रफ सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो हमारे स्किन होते हैं थोड़े से निकल जाते हैं उनको हम एब्रेशन बोलते हैं. ब्रूजिंग मतलब ब्रूज मतलब क्या होता है कि जो अंदर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका रप्चर हो जाता है यानी कि इंटरनल हिमोरेज वहाँ पे बन जाता है और अल्टीमेटली बीनीथ द स्किन इंटरनल हिमोरेज का होना दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूजिंग. ओके दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूज. ओके तो मे बी फाइंड आउट ब्रूज में भी मिल सकता है वहाँ पे लेसरेशन ऑफ द लिप मिल सकता है गम एंड टंग में भी वहाँ पे क्या होता है कि ब्रूज हमें मिल सकता है. ओके तो ये सभी एक्सटर्नल फाइंडिंग है हमारे पर्टिकुलर स्मदरिंग के केसेस में. ओके ये देखिए अदर एक और पर्टिकुलर एक्सटर्नल फाइंडिंग है कि अनलेस देर आर ब्रूज और एब्रेशन ऑन द चीक्स अराउंड द माउथ लिप्स और लेजन विद इन द लिप्स और माउथ. ओके वही जस्ट उन्होंने बताया इट इज़ डेंजरस टू ओवर इंटरप्रेट कलर वेरिएशन फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ ब्लड इन द फेशियल कैपिलरी ब्लेड बेड विच इज यूजली पोस्टमार्टम फिनोमेना. ओके तो अल्टीमेटली आपको बस इतना समझना है ज़्यादा दिमाग के प्रेशर वगैरह नहीं देना है बस यू हैव टू नो दैट नथिंग बट कि एब्रेशन मिल सकता है लेसरेशन ऑफ द लिप्स हो सकता है. ओके और जो साइन है वो अब्सेंट हो सकता है अगर सॉफ्ट मटेरियल का अगर यूज़ किया गया होगा वो तो. ओके मेडिकल लीगल अगर एस्पेक्ट की अगर बात करें तो सुसाइडल स्मदरिंग अल्टीमेटली ये रेयर ही होगा. सुसाइडल स्मदरिंग कोई भी अपने हाथ से अपने आप को तो मारेगा नहीं. दिस कैन अकर इन अ मेंटल पेशेंट. ओके बाय बुरिंग द फेसेस इन अ फ्लॉक मैटर्स. ओके अल्टीमेटली फ्लॉक मैटर्स क्या है उसके जो बेड्स वगैरह जो होंगे अल्टीमेटली वो क्या करेगा अपने आप को ही मारने का क्या करेगा वहाँ पे वो मतलब बेड्स के जो क्लोथ्स वगैरह जो होंगे बेड्स के जो पिलो वगैरह जो होंगे वो खुद को क्या करेगा अपने नोज एंड माउथ को क्या करता है कंप्रेस करेगा. ओके वो पिलो के ऊपर क्या करेगा अल्टीमेटली वो वहाँ पे सोएगा. ओके और क्या करेगा वो अपने जो हेड को क्या करेगा डाउन करके कंप्रेस करेगा. ओके तो लाइंग अगेंस्ट द बेड क्लोथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द नोज एंड माउथ जैसे मैंने आपको बताया ये नॉर्मली मेंटल पेशेंट्स में होता है अदरवाइज इट इज़ अ रेयर सुसाइडल स्मदरिंग इज रेयर. एक्सीडेंटल स्मदरिंग पॉसिबली है क्योंकि ये देखिए अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द विक्टिम. ओके एक्सीडेंटल स्मदरिंग हो सकता है द बेड क्लॉथ कवरिंग द नोस्टिल्स एंड माउथ ऑफ द इन्फेंट्स. ओके अल्टीमेटली क्या है एक्सीडेंटली है. ओके इंटेंशनली भी मारा जाता है इन्फेंट्स न्यूनेट्स को बट अगर अनइंटेंशनली अगर बोला जा रहा है वर्ड्स अल्टीमेटली वो क्या है वो एक्सीडेंटल है. ओके तो बेड क्लॉथ अल्टीमेटली जब नॉस्टिल एंड माउथ इन्फेंट्स के जब नॉस्टिल एंड माउथ पे जब आ जाते हैं या फिर बेड क्लॉथ जब कवर कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या कॉज करते हैं वो सफोकेशन फील करते हैं. ओके तो एक्सीडेंटल स्मदरिंग इन चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट मे बी प्रीडिस्पोज टू बाय एन एपिलेप्टिक फिट. ओके एपिलेप्टिक फिट में भी हो सकता है बाय एक्सीडेंटली चिल्ड्रन इन एन एयर टाइट प्लेस. ओके कोई कंटेनर में अगर चिल्ड्रन चला गया है और वो अनेबल टू कम आउट दैट पर्टिकुलर कंटेनर तो वहाँ पे एयर टाइट स्पेस में एयर टाइट प्लेस में भी सफोकेट वो बंदा फील होगा. ओके तो दैट इज ऑल्सो कॉल एज अ एक्सीडेंटल स्मदरिंग. ओके और वन इन विच वेंटिलेशन इज नेग्लिजिबल सच एज डिसयूज रेफ्रिजरेटर. ओके तो रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे गेम वगैरह चिल्ड्रंस प्ले करते हैं वो उसमें क्या करेंगे छुपने के लिए चले जाएंगे
और अल्टीमेटली जब बाहर के जो कवर बाहर का जब वो बोलते ना कि क्लोज करने के लिए जो वो यूज़ करेंगे, जब वो यूज़ नहीं हो पाएगा मतलब वो क्लोज़ हो गया और वो ओपन नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होंगे अल्टीमेटली उस रेफ्रिजरेटर में ही अंदर रहेंगे, तो रेफ्रिजरेटर में तो कोई ऑक्सीजन वगैरह तो मिल नहीं रहा है, तो अगेन ये एक्सीडेंटली हो रहा है। ओके, एक्सीडेंटल स्मदरिंग मे अकर आउटडोर व्हेन द विक्टिम इज इन द कोर्स ऑफ एन एपिलेप्टिक फिट और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रिंक ऑफ ड्रग फॉल फेस डाउन इनटू द मड स्नो और थिक ग्रासेस। ओके, तो जो सेंटेंस लिखा गया इजीली सेंटेंस, इसका मीनिंग भी इजी है। ओके, तो मैंने आपको वही बताया कि विक्टिम एपिलेप्टिक फिट में हो सकता है एक्सीडेंटली, या फिर अगर कोई बंदा फॉल हो जा रहा है मड में, कीचड़ में, ओके, या फिर स्नो में, ओके, या फिर थिक ग्लासेस में, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि वो अनेबल टू स्टैंड एट द जब वो फॉल होता है। ओके, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि वो सफोकेट फील करेगा। तो अगर कोई एडल्ट और कॉन्शियस एडल्ट अगर कोई फॉल होता है किसी मड में या फिर कीचड़ जो हम बोलते हैं, ओके, या फिर स्नो या फिर थिक ग्लासेस में, तो वो नॉर्मली वो अपने आप को सेव कर लेगा। लेकिन अगर कोई ड्रग लिया है किसी बंदे ने या फिर किसी ने अल्कोहल लिया है तो ऑलरेडी वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, ड्रॉजिनियस स्टेट में है। ओके, और जब वो कीचड़ वगैरह में जब गिरेगा तो उसकी उतनी एफर्ट नहीं रहेगी। ओके, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसी कीचड़ में दबा हुआ रहेगा या फिर जहाँ पे वो गिरा हुआ रहेगा वो अल्टीमेटली वहीं गिरा हुआ ही पड़ा रहेगा, और उससे क्या होता है कि ये एक्सीडेंटल स्मदरिंग से वो उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, होमिसाइडल स्मदरिंग यानी कि किसी को जो मारते हैं, ओके, ये मतलब ये मोस्टली इसको देखा जाता है, होमिसाइडल ऑफ एन एडल्ट बाय स्मदरिंग इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ ग्रॉस डिस्पैरिटी बिटवीन द एसिडेंट एंड द, हाँ, तो वही कुछ झगड़ा वगैरह जब कुछ होता है तो किसी को मारने के लिए एक पर्टिकुलर जो एसिडेंट होगा वो क्या करेगा, विक्टिम को मारेगा। ओके, तो होमिसाइडल ऑफ एन एडल्ट बाय स्मदरिंग इज पॉसिबल और ये हम देखते हैं। ओके, इट इज़ कॉमन मोड ऑफ इन्फेंटिसाइड, यूजली इन्फेंट्स मदर एंड नॉस्ट्रिल्स आर क्लोज बाय मीन्स ऑफ हैंड्स और इवन बाय अ प्लास्टर। ओके, तो अल्टीमेटली होमिसाइडल स्मदरिंग ये इसको डन किया, इन्फेंट्स मदर एंड नॉस्ट्रिल्स आर इन्फेंट्स माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स आर क्लोज बाय मीन्स ऑफ हैंड्स। ओके, तो अल्टीमेटली उनके खुद के हैंड्स अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उनके नोज एंड माउथ को हम क्या करते थे वहाँ पे रख देते हैं जो कि अल्टीमेटली वो खुद मर जाए इनको करने के लिए। ओके, तो होमिसाइडल स्मदरिंग के अंदर ये आता है, फिंगर मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैचेस एंड ब्रूज आर फाउंड ओवर द विक्टिम फेसेस। ओके, चॉकिंग नेक्स्ट हमारा टाइप आता है पर्टिकुलर सफोकेशन का, द फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द एयर पैसेज। ओके, किसी को किडनैप वगैरह जब हम करते हैं नॉर्मली ये सेक्शुअल असॉल्ट के केस में होता है कि किसी को बंदे किसी वुमेंस को या फिर गर्ल्स को किडनैप करके वहाँ पर रेप वगैरह जो केसेस वगैरह आपने देखा होगा सुना होगा। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि चॉक जो गैग्ड मटेरियल होता है ना हम किसी जो पर्टिकुलर जो फीमेल होगी उसके अंदर उसके माउथ के अंदर गैग्ड मटेरियल डाल दिया जाता है। ओके, गैग्ड मटेरियल कोई क्लोथ भी हो सकता है, कोई मड भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। ओके, तो फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द एयर पैसेज, ये एयर पैसेज हो रहा है विद इन द एयर पैसेज। ओके, या अभी जो हमने देखा था स्मदरिंग वो बाहर से हो रहा था लेकिन अभी ये क्या है अंदर से किया जा रहा है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। ओके, इनहेलेशन, सॉरी गाइस, चॉकिंग हम देख रहे हैं। ओके, जो भी कुछ मैं बता रहा था वो अल्टीमेटली वो गैगिंग का था। ओके, तो मुझे लगा ये गैगिंग टॉपिक चालू है दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पे चॉकिंग चालू है। ओके, तो चॉकिंग मतलब अल्टीमेटली ये फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द एयर पैसेज। ओके, तो जो गैगिंग था वहाँ पे भी अल्टीमेटली स्मदरिंग, मैंने आपको बताया कि बाहर से हम क्या करते हैं हैंड से या फिर पिलो से नोस्ट्रिल्स एंड माउथ को मतलब बंद करते हैं। ओके, गैगिंग भी हम देखेंगे डोंट वरी, बट यहाँ पे मैंने वो उसका टर्म यूज़ किया तो बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हियर, नहीं तो यू विल कन्फ्यूज हियर। तो अल्टीमेटली गैगिंग मैंने आपको बताया, गैगिंग में जब किडनैपिंग वगैरह जब केसेस आता है तो गैग्ड मटेरियल हम इंसर्ट करते हैं किसी विक्टिम के माउथ में। ओके, तो अल्टीमेटली जब हम वो गैग्ड मटेरियल डाल देते हैं ना तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटर जो सिस्टम होता है ना, जो रेस्पिरेशन जो उनका होता है ना, वो अल्टीमेटली वो प्रिवेंट हो जाता है यानी कि वो नहीं हो पाता है। तो इन दैट सेम वे चॉकिंग भी वही सेम मतलब उनका सेम तरीका है। ओके, अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये एक्सीडेंटली होता है। ओके, चॉकिंग अकरिंग एक्सीडेंटली
ये मतलब जो गैग मटेरियल किसी के द्वारा डाला गया था, यहाँ पे किसी के द्वारा कुछ डाला नहीं जाता है, ये एक्सीडेंटली होता है। ओके एक्सीडेंटली होता है मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई मटेरियल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, ओके जो ट्रैकिया होता है उसमें कुछ चला जाता है। ओके सच एज ड्यूरिंग हम जब मील वगैरह जब खाना वगैरह जब खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि सडनली जब हम लाफ वगैरह जब करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो खाने का जो पार्टिकल होता है अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाता है। ओके तो क्योंकि लाफिंग जो है, लाफिंग के टाइम हमारा एपिग्लॉटिस मतलब जो ग्लॉटिस की जो ओपनिंग है वो खुल जाती है। ओके एंड दैट्स व्हाई अलॉन्ग विद दैट मील व्हेन वी आर लाफिंग, ओके तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मील का जो मटेरियल होता है या फिर मील का जो पार्टिकल होता है वो रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाता है। ओके रेस्पिरेटरी पैसेज में किसी फॉरेन सब्सटेंस का जाना दैट इज कॉल्ड चॉकिंग। ओके तो ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, इनहेलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिसीज और बाय एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू डिसीज। ओके कॉसेज देखेंगे, इनहेलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिसीज, कोई भी अगर टैकियो वहाँ पे अगर सॉरी अगर जो भी लैरेंजाइटिस या फिर जो टैकिया का अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर कुछ होता है, एनाटॉमिकल अगर चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेकिया में, ओके तो इसके वजह से भी वहाँ पे वो चॉकिंग जिन्हें हम बोल सकते हैं। ओके चॉकिंग इज़ नॉट कन्फर्म और चॉकिंग इज़ नॉट एंड्स विद द वर्ड द फॉरेन मटेरियल। ओके जब कोई भी फॉरेन मटेरियल जब रेस्पिरेटरी पैसेज में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो चॉकिंग होगा, ये ठीक है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर कोई एनाटॉमिकली चेंजेस होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज में ही कुछ नोड्यूल्स बन गए हैं, कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस हो गया है, तो देन अल्टीमेटली वहाँ पे भी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाता है। ओके तो दैट ऑल्सो कॉल्ड एज चॉकिंग। ओके दैट ऑल्सो कम अंडर इन द कैटेगरी ऑफ चॉकिंग। ओके तो चॉकिंग इज अ सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके ये क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कॉसेज ऑफ चॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इनटू द ग्लॉटिस सच एज बोलस ऑफ मीट, ओके पोटेटो, बटन, कॉइंस, मार्बल्स, कॉर्न्स, फिश, स्क्रू, पिंस और आर्टिफिशियल जो डेंचर्स रहते हैं, ओके जब फिट किए रहते हैं जब वो निकल जाता है तो अल्टीमेटली ये सभी मटेरियल अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में जब चला जाता है ना तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज को वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके वो ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया, ओके ये सभी जो मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन जो कॉज कर रहे हैं अल्टीमेटली ये बाहर निकल नहीं पाते हैं। ओके क्योंकि वो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पैसेज में सेटअप हो जाते हैं। ओके तो इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी ये सभी क्या होता है, चॉकिंग हो सकता है। ओके इनहेलेशन ऑफ ओमिटेड मटेरियल इन एन अनकॉन्शियस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड ड्यूरिंग एनेस्थेसिया और एपिलेप्टिक फिट। ओके तो इनहेलेशन ऑफ ओमिटेड मटेरियल जब वो अनकॉन्शियस है, ओमिटिंग आ रही है उसको लेकिन वो अनकॉन्शियस है, तो ओमिटिंग के टाइप द ओमिटस जो मटेरियल आ रहा है, ओके ओमिटिंग में वो मटेरियल पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है इन अनकॉन्शियस पेशेंट में। ओके यानी कि जब बंदा अनकॉन्शियस है और वो ओमिटिंग करता है तो अल्टीमेटली ओमिटस मटेरियल में एंटर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। ओके व्हेन इंटॉक्सिकेटेड अगेन वहाँ पे हो सकता है, ड्यूरिंग एनेस्थेसिया हो सकता है और एपिलेप्टिक फिट में भी बंदे का कुछ जो ओमिटस मटेरियल होगा वो रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है ड्यूरिंग द ओमिटिंग। ओके ब्लंचिंग आउट ऑफ मिल्क बाय इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस मे बी एस्पिरेटेड इनटू द एयर पैसेज। ओके अगेन जो स्टमक होता है, जो जो इंजाइम्स वगैरह है प्रॉपर सीक्रेट नहीं होती है हमारे, मतलब प्रॉपर डेवलप्ड जो पैंक्रियास वगैरह न्यूबॉर्न्स में या फिर इन्फेंट्स में नहीं रहता है एंड दैट्स वाई जो इंजाइम्स रहते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होती है। ओके तो जो जो वो मिल्क जो कंज्यूम करते हैं उनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है कि रीगर्जिटेशन होता है, मतलब वो जो मिल्क उन्होंने लिया था वो फिर से माउथ की तरफ आता है। ओके यानी कि ओमिटस बाहर आता है। तो ब्लंचिंग आउट जिन्हें हम बोलते हैं ये नॉर्मली नॉर्मल रहता है। ओके ये कोई डिसीज या डिसऑर्डर के ऊपर वो रिलेट नहीं होता है। ब्लंचिंग आउट ऑफ मिल्क बाय इन्फेंट्स जब वो बाहर निकालते हैं मिल्क को तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम दिस पर्टिकुलर मिल्क मे एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज। ओके विच मे एक्ट एज अ चॉक्ड मटेरियल। ओके इनहेलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिसीज और सच एज ब्लड और पस, ओके हिमेप्टिसिस इन द ट्यूबोक्लोसिस, रप्चर ऑफ एन एओर्टिक एनोरिज्म इन एयर पैसेज। ओके एओर्टिक एनोरिज्म मतलब जो आर्टरी की जो बोलते ना कि स्वेलिंग वगैरह जो भी कुछ है। ओके तो अल्टीमेटली जब कोई डिसीज वगैरह होता है और उनके जो प्रोडक्ट सच एज पस वगैरह, अगर सपोज ट्रेकिया में ही अगर कुछ पस अगर मतलब ट्रेकिया में ही अगर कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसमें पस बन गया है और वो पस अगर बस्ट हो गया, अगर टेकिया में अगर डिपॉजिट होगा तो अल्टीमेटली वो क्या कॉज करेगा, चॉकिंग कॉज करेगा। ओके तो इट इज़ इनहेलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिसीज। ओके आप इतना स्टेटमेंट भी लिखोगे तो भी दैट इज़ इनफ। ओके
और अल्टीमेटली एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू द डिसीजेस सच एज ब्रोंकियल ग्रोथ, लैरिंजियल एडिमा एंड ट्यूमर, फेरेंजियल एब्सेस, एंजियोनिरोटिक एडिमा, ये सभी जो एनाटॉमिकल चेंजेस है ना रेस्पिरेटरी पैसेज के, अल्टीमेटली इनके वजह से भी चॉकिंग हो सकता है. ओके, कंडीशन सच एज पोलियोमाइलिटिस और बल्बार पाल्सी, एक्सीडेंटल इनहेलेशन ऑफ फूड अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन स्वेलिंग मैकेनिज्म. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सभी नर्वस सिस्टम्स के प्रॉब्लम है और अल्टीमेटली जब उनको स्वेलिंग में ही प्रॉब्लम आगा, डिसफेजिया होता है और डिसफेजिया के टाइम अल्टीमेटली कुछ पार्ट ऑफ जो मटेरियल होगा उनके फूड मटेरियल दैट मे एंटर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज. ओके, मैकेनिज्म क्या हुआ, एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी मे कॉज सडन डेथ फ्रॉम अ वेगल इनहिबिशन. ओके, वेगल इनहिबिशन अल्टीमेटली कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म नीचे दिया गया है, डोंट वरी. तो कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ, एस्फिक्सिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस. वेगल इनहिबिशन कैसे होता है, इमीडिएट रिजल्ट ऑफ चॉकिंग इज वेगल इनहिबिशन एंड सडन डेथ. तो होता क्या इससे पता है आपको, तो वेगल इनहिबिशन का जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है ना, आई होप यहाँ पे दिया होगा. ओके, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे फर्दर साइड्स में शायद हो. ओके, तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही होता है, वेगल इनहिबिशन मतलब क्या होगा, जो वेगस नर्व जो सप्लाई करते हैं नेक के रीजन में ना, वो कंप्रेस हो जाती है. ओके, जो चॉक्ड मटेरियल जो गया है ना उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसी सेम पोजीशन में अल्टीमेटली हमारा मतलब उसी रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर से नहीं गया रहता है वेगस नर्व, उसके सराउंडिंग में या फिर उसके मतलब साइड से होके हमारा वेगस नर्व वगैरह जब गया रहता है, और अल्टीमेटली उसके जैसे अगर उसको कोई इफेक्ट होता है तो वेगस नर्व गेट इनहिबिटेड, और वहाँ से पर्टिकुलर वेगस नर्व जब इनहिबिटेड हो जाएगी तो अल्टीमेटली डाई हो जाता है. ओके, तो इमीडिएट रिजल्ट ऑफ चॉकिंग इज वेगल इनहिबिशन एंड सडन डेथ. ओके, तो सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द लैरिंग्स विद द लाइट एनेस्थेसिया मे कॉज सडन डेथ फ्रॉम वेगल इनहिबिशन. ओके, लैरिंजियल स्पैज़म अल्टीमेटली दिस अकर ड्यू टू द एंट्री ऑफ इरिटेटिंग फॉरेन मटेरियल इन द एयर पैसेज. ओके, लैरिंजियल स्पैज़म, तो कॉज ऑफ डेथ अल्टीमेटली देख रहे हो आप, एस्फिक्सिया कॉमन है, एयर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेगल इनहिबिशन हो गया है, लैरिंजियल स्पैज़म हो गया. कैसे हो गया, क्योंकि एंट्री ऑफ इरिटेटिंग फॉरेन मटेरियल हो रहा है. ओके, और अल्टीमेटली लैरिंग्स क्या करेगा, अल्टीमेटली अगेन एंड अगेन उसको स्पीड के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा. ओके, तो इससे क्या होता है कि लैरिंजियल स्पैज़म वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. ओके, तो ये सभी क्या है, अल्टीमेटली कॉसेस है हमारे डेथ के इन पर्टिकुलर चॉकिंग में. ओके, मेडिको लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो एक्सीडेंटल चॉकिंग हो सकता है. एक्सीडेंटल चॉकिंग कैसे होगा, देखिए, वेरी कॉमन एंड इज सीन इन वेरी यंग एल्डरली साइकेट्रिक पेशेंट विद द एबिलिटी टू च्यू और शैलो इज इम्पेयर्ड. ओके, अकर ड्यूरिंग अ मेल, ये नॉर्मली तो हम सब करते हैं. ओके, सर ने फील भी किया होगा कि ड्यूरिंग द लाफिंग, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग ड्यूरिंग मील, नॉर्मली ये अवॉइडेड होता है कि ड्यूरिंग मील हमें बातचीत या फिर लाफ वगैरह नहीं करना रहता है. इसका मेन रीज़न यही है कि जो भी मटेरियल हम खा रहे हैं दैट मे एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज. ओके, यही इसका साइंटिफिक रीज़न है. तो अल्टीमेटली ये एक्सीडेंटली हो सकता है, अकर ड्यू टू ड्यूरिंग अ मील व्हेन फूड इज एक्सीडेंटली इनहेल व्हाइल द पर्सन इज लाफिंग और क्राइंग, और इवन व्हेन समवन अनएक्सपेक्टेडली स्लैप द पर्सन ऑन द बैक. ओके, इसलिए बोलते हैं कि खाते समय किसी को पीछे से मारना नहीं चाहिए. ओके, इसका मेन रीज़न यही है. ओके, एवरीथिंग यू आर वट एवर यू आर लिसनिंग और वट एवर यू आर हियरिंग. ओके, तो अल्टीमेटली उसका जो मेन साइंटिफिक जो रीज़न होता है ना, वो कहीं ना कहीं हाइड हुआ रहता है, कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है. ओके, बट उसका साइंटिफिक रीज़न रहता है. ओके, बट जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनको पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, और जो हमारे एजुकेटेड पीपल होते हैं वो करते हैं. ओके, जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनको रीज़न पता नहीं होता, लेकिन उनको इतना पता होता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. उनका रीज़न परफेक्ट रीज़न नहीं पता होता है, क्योंकि दे आर नॉट दैट मच वेल एजुकेटेड. ओके, सुसाइडल चॉकिंग, सुसाइड बाय चॉकिंग इज क्वाइट रेयर. ओके, मे बी सीन इन मेंटली इल पेशेंट, ये बहुत ही रेयर होगा, कोई रेस्पिरेटरी पैसेज में खुद मटेरियल डालकर अपने आप को मारने तो नहीं चाहेगा. ओके, होमिसाइडल चॉकिंग, अल्टीमेटली चॉकिंग इज अनकॉमन एंड रेयर मोड ऑफ कमिटिंग होमिसाइडल. ओके, हाउ एवर द लिटरेचर सजेस्ट दैट केसेज ऑन आर ऑन रिकॉर्ड वेयर द मर्डर हैव बीन कमिटेड बाय चॉकिंग द विक्टिम. ओके,
Choking due to the regurgitation of food may occur during rape or during the sexual intercourse. Okay, तो homicidal choking का एक बहुत ही important example यही है कि ultimately जब sexual intercourse होता है, okay, rape वगैरह जब cases वगैरह जब होते हैं, तो अगर कोई वुमेन जस्ट उन्होंने मील वगैरह कंज्यूम किया होगा और किडनैप करके जब वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का जब केस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो मील होगा, उसका जो खाना होगा ना, अल्टीमेटली दैट मे एंटर इनटू द पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पैसेज. ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग अ रेप, ओके, वहाँ पे जो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज में वो चला जाता है, तो दैट कम अंडर द होमिसाइडल चॉकिंग. ओके, तो अल्टीमेटली फॉरन मटेरियल जा रहा है लेकिन ये होमिसाइडल ही हो रहा है. ओके, यानी कि फीमेल खुद अपने मटेरियल को तो डाल नहीं रही है रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो सुसाइडल तो हुआ नहीं. ओके, एक्सीडेंटली भी हो नहीं रहा है, होमिसाइडल ही हो रहा है, क्योंकि किसी के द्वारा प्रेशर हो रहा है या फिर कोई ना कोई एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर रिगर्जिटेशन हो रहा है, और रिगर्जिटेशन फॉलो बाय एंट्री ऑफ फॉरन मटेरियल इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज. ओके, ऑटोप्सी फाइंडिंग की अगर बात करें कि चौकी में क्या क्या मिल सकता है, तो प्रेजेंस ऑफ द इम्पैक्टेड फॉरन बॉडी इन द एयर पैसेज, ओके, ऑब्वियसली मिलेगा ही. रिगर्जिटेटेड फूड पार्टिकल सच एज ओमिटक मे फाउंड मिक्स विद द म्यूकस इन द ट्रेकिया ब्रोंका इन द लोअर ब्रोंक्यूल्स. ओके, अगेन दैट इज ऑल्सो फाइंडिंग इन द ऑटोप्सी फाइंडिंग. ओके, ऑल ऑर्गन आर कंजेस्टेड. ये केफ कोरोनरी एक पर्टिकुलर टाइप होता है हमारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कंडीशन वेयर अ हेल्थी एंड ग्रूसली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओके, सडनली टर्न्स ब्लू कफ एंड देन कोलैप्स एंड डाई. ओके, यानी कि अल्टीमेटली एक हेल्दी इंडिविजुअल चॉक्ड मटेरियल नहीं गया है, ओके, चॉकिंग उसका रिजल्ट जो ऑटोप्सी फाइंडिंग उसकी चॉकिंग नहीं आती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, केफ कोरोनरी बोलते हैं. तो इसका मेन जो रीज़न होता है सडन हार्ट अटैक होता है. ओके, अ कंडीशन वेयर अ हेल्दी एंड ग्रूसली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सडनली टर्न्स ब्लू कफ वॉलेंटरी देन कोलैप्स एंड डाइज. इसका भी मेन रीज़न ये बताया गया है कि जो इंटॉक्सिकेटेड यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल जो बंदे ने कंज्यूम किया है ना, अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, नर्वस जो नर्व्स होते हैं उनको हमारे नर्व्स को क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो चॉकिंग या फिर जो पर्टिकुलर जो गैगिंग का जो रिफ्लेक्स आना चाहिए ना, जो रिफ्लेक्स आना चाहिए वो रिफ्लेक्स नहीं आ पाता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे बंदे की डेथ हो जाती है. तो देखेंगे इसका रीज़न दिया हो गया, डोंट वरी. तो सडन हार्ट अटैक, इसका डेथ अपीयर होता है ड्यू टू द सडन हार्ट अटैक. ओके, ऑटोप्सी मे फाइंड सम फूड मटेरियल और पीस और मीट ऑब्स्ट्रक्टिंग द लंग्स लैरिंग्स. ओके, बट पर्टिकुलरली इसका मेन रीज़न जो बताया गया डेथ का वो चॉकिंग नहीं बताया गया. ओके, तो क्लिनिकल साइन ऑफ चॉकिंग आर अब्सेंट एज देर इज हाई ब्लड अल्कोहल कंटेंट वेन एनेस्थाइज द गैग रिफ्लेक्स. ओके, तो अल्टीमेटली वही मैंने आपको बताया ना कि जो पर्टिकुलर जो गैगिंग का जो रिफ्लेक्स आते हैं वो नहीं आ पाता है. ओके, वो नर्वस जो सिस्टम होते हैं हमारे वो कम हो जाते हैं ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन और जो बंदे ने जो टॉक्सिक मटेरियल कंज्यूम किया है. ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि उसको जो चॉक्ड मटेरियल जो जाता है, ओके, वो मतलब इनिशियली एक्सीडेंटली जो जाता है वो हम निकाल सकते हैं. ओके, वी कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर जो भी कुछ हमारा एक्सीडेंटली जो गया है. ओके, बाय स्पिटिंग हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये बंदा निकालता नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड है, वो ड्रॉजीनेस की स्टेट में है, वहाँ पे पहले से ही है. ओके, गैग रिफ्लेक्स उसका एब्सेंट हो गया है. पर्सन ओमिटेस द ओमिटेड मटेरियल मे बी इनहेल्ड ड्यूरिंग द चॉकिंग. ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी कंडीशन बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ओमिटेड ओमिटिंग के टाइम ओमिटेड मटेरियल मे एंटर इन टू द रेस्पिरेटरी पैसेज मे कॉज द चॉकिंग. ओके, इन्फेंट रिगर्जिटेटेड जो क्लॉटेड मिल्क होता है आफ्टर द मिल्क इन टू द लैरिंग्स एंड चिल्ड्रन मे ऑफन प्लेस कॉइन स्मॉल स्टोन इन द लैरिंग्स. ओके, सफोकेशन मे कॉज बाय सम डिसीजेस लाइक डिप्थीरिया. डिप्थीरिया बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हमारा पर्टिकुलर डिसीज है. ओके, डिप्थीरिया जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है. ओके, तो अल्टीमेटली डिप्थीरिया में क्या होता है कि वहाँ पे जो एपिग्लॉटिस यानी कि जो ग्लॉटिस की जो ओपनिंग है ना वो ब्लॉक हो जाता है विद एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एक बन जाता है. ओके, जो कि क्या करता है कि एपिग्लॉटिस को, तो ठीक है, एपिग्लॉटिस हमारे ग्लॉटिस की जो ओपनिंग होती है रेस्पिरेटरी पैसेज जिन्हें हम ग्लॉटिस बोलते हैं उनको क्या करता है वो कवर करते रहता है, और जब एयर वगैरह आती है उसको फिर क्या करता है ओपन कर देता है. लेकिन डिप्थीरिया में क्या होता है कि अल्टीमेटली एक मेम्ब्रेन अल्टीमेटली क्या करता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को कवर कर देता है, परमानेंटली कवर कर देता है. ओके, इसलिए डिप्थीरिया के वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं. ओके,
तो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, जो हीमोपेटिसिस है, इन पल्मोनरी ट्यूबोकुलोसिस, ओके, ये सभी मेन रीज़न हो सकते हैं अल्टीमेटली हमारे डेथ के. ओके, एनाटॉमिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया लेरिंग्स एंड ब्रोंकियल ग्रोथ मे कॉज हिमोरेज इन टू द ट्रैकिया. ओके, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट नथिंग बट दिस इज द नेम गिवन टू द काइंड ऑफ एस्फिक्सिया विच आर कॉज ड्यू टू द मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट. ओके, मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट सो दैट नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट आर प्रिवेंटेड. ओके, किसी के चेस्ट के ऊपर बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. ओके, सिंपल सा डेफिनेशन, नो नीड टू बाय हार्ट एनीथिंग, नो नीड टू फोकस, नो नीड टू प्रेशर योर माइंड. ओके, यू हैव जस्ट टू रिमेंबर दैट नथिंग बट अगर प्रेशर दे रहे हैं, अगर कोई क्रश कर रहे हैं हम चेस्ट के ऊपर, दैट नथिंग बट ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. ओके, दिस इज नेम गिवन टू द दोस काइंड ऑफ एस्फिक्सिया विच आर कॉज द मैकेनिकली फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट सो दैट नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल आर प्रिवेंटेड. ओके, तो जो नॉर्मल जो चेस्ट वॉल की जो मूवमेंट हो रही है, इंस्पिरेटरी जो मसल्स लगे हुए हैं, जो एक्सपिरेटरी जो मसल लगे हुए हैं, जिससे क्या होगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा, जब वही एक्टिविटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली ईयर की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना ये नहीं हो पाएगा. ओके, तो अल्टीमेटली ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हम इन्हें बोलते हैं. अकर व्हेन अ लार्ज वेट फॉल इनटू द, पहली बात तो एक्सीडेंटली भी हो सकता है ये. ओके, या तो होमिसाइडली भी हो सकता है. होमिसाइडली इसका मेन जो एग्जांपल होता है बर्किंग एक एग्जांपल है. ओके, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया दोनों होता है बर्किंग में. ओके, तो अकर व्हेन अ लार्ज वेट, कोई लार्ज वेट का अगर मटेरियल अगर फॉल हो जाता है हमारे चेस्ट के ऊपर, तो दैट इज अ मेन रीज़न. ओके, टू फॉर द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, या फिर इंडिविजुअल चेस्ट ऑन अपर एब्डोमेन. ओके, या फिर कोई दूसरा किसी दूसरे के एब्डोमेन चेस्ट रीजन में अगर कोई बैठ गया है. ओके, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इनकाउंटर इज वॉइल रिपेयरिंग अ कार, द जैक स्लिप एंड द व्हीकल फॉल ऑन द टॉप ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, अल्टीमेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है कि अल्टीमेटली जब व्हीकल की जब ट्रीटमेंट चालू रहती है, ओके, जब वहाँ पे क्या होता है कि व्हीकल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं. ओके, और अगर बाय एक्सीडेंटली अगर वो व्हीकल अगर उनके चेस्ट के ऊपर गिर गया ना, तो दैट मे कॉज अ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. ओके, और उनकी डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ वहाँ पे हो सकती है. ओके, कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट वहाँ पे होता है. तो देखिए, होटल फायर, लेन क्राउड इन एन इनक्लोज प्लेस, बिल्डिंग कोलैप्स, और इन ये देखिए बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह हो जाता है, तो बिल्डिंग के जो मटेरियल वगैरह जो होते हैं, जो पर्टिकुलर जो सीमेंट्स वगैरह जो रहते हैं, ओके, ब्रिक्स वगैरह, वो सभी हमारे चेस्ट के ऊपर फॉल हो जाता है और अल्टीमेटली कॉसेस अ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. ये एक्सीडेंटली भी होता है, पर्टिकुलर होमिसाइडल का भी केस है. ओके, सुसाइडल का केस नहीं आएगा इससे, क्योंकि अपने आप से खुद कोई अपने चेस्ट पे तो वॉर करेगा नहीं. ओके, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया यूजली एक्सीडेंटली इन मैनर. ओके, मैंने आपको बताया, हाँ, लेकिन होमिसाइडल भी हो सकता है, डोंट वरी. पोस्टमार्टम फाइंडिंग में अगर बात करें तो डीप रेड और पर्पलिश ब्लैक डिसकलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द हेड, ओके, नेक एंड अपर टंग विद द न्यूमरस पेटिचियन एकोमोसिस इन द एरियाज. ओके, अल्टीमेटली ये क्या है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा कि चेस्ट के रीजन जो रहेंगे ना, वहाँ पे डार्क रेडिश कलर का आ जाता है, पर्पलिश रेड कलर का वहाँ पे ब्लड स्टेन हमें दिखते हैं. ओके, कहाँ पे दिखेगा, हेड के रीजन में, नेक के रीजन में. ओके, पेटिचियल हेमोरेज बहुत ही ज़्यादा देखने को दिखाई देता है वहाँ पे. ओके, पिटिचे ऑफ द स्क्लेरा, कंजक्टिवा एंड पेरी ऑर्बिटल स्किन एंड द रेटिनल हेमोरेज. ओके, तो अल्टीमेटली इन सभी जगहों पे क्या होता है, हेमोरेज हमें फाइंड आउट मिलता है, स्क्लेरा में, कंजक्टिवा में. ओके, तो आप जब देखोगे ना इमेज, तो अभी राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच दैट काइंड ऑफ इमेज टू शो यू. ओके, लेकिन अल्टीमेटली जो इमेज का एक पर्टिकुलर जो सफोकेशन के रिलेटेड एक पर्टिकुलर इमेज का जो मैं वीडियो डालूंगा, ओके, तो वहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. ओके, तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या क्या मिलेगा, कि पूरा रेडिश पर्पलिश कलर हमें देखने को मिलता है, पूरे चेस्ट रीजन में फैल जाता है, पेटिचियल हेमोरेज चेस्ट रीजन में दिखाई देता है. ओके, कंजक्टिवा में, स्क्लेरा में हेमोरेज हमें देखने को मिलता है. ओके, हिमोरेज इज सीन इन द टिश्यू अराउंड द साइट ऑफ द कंप्रेशन. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, स्किन इज पेल हो जाता है, इज मे सी इंटरनली देर इज ऑफन नो एविडेंस ऑफ ट्रॉमा इन स्पाइट ऑफ हैवी वेट ऑन द चेस्ट. ओके, फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स मे प्रेजेंट, इफ द पेशेंट रिकवर द पर्पल कलर ग्रेजुअली डिसअपीयर इन द 10 to 14 days विदाउट द यूजुअल कलर चेंजेस. ओके, तो अल्टीमेटली रिकवरी बहुत ही रेयर होती है कि रिकवर बंदा हो सके, अदरवाइज रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. ओके, ग्रेजुअली डिसअपियर होता है 10 to 14 days में, वो क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है. ओके,
some permanent visual impairment due to the retinal hemorrhage may happen in the traumatic asphyxia. Okay, ये सभी क्या है? Ultimately effect है हमारे traumatic asphyxia के. Due to compression of the chest, retrograde displacement of the blood from superior vena cava into the subclavian vein and vein of head and neck occur leading to the sinusitis condition. Okay, यहाँ पे क्या बताएगी कि सडनली कोई अगर मटेरियल अगर गिरता है ना हमारे चेस्ट के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि जो वेन की जो मूवमेंट होती है ना वो रिवर्स हो जाती है. ओके, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ चेस्ट रेट्रोग्रेड, रेट्रो मतलब अपोजिट. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, यानी कि बिहाइंड, आप रिलेट कर सकते हो कि सुपीरियर वेना कावा इनटू द सबक्लेवियन वेन, यानी कि वो सबक्लेवियन वेन और जो भी सुपीरियर वेना कावा जो है वेन. ओके, अल्टीमेटली कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट के रिजल्ट में क्या होता है? रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना, यानी कि जो सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड है ना अल्टीमेटली वो रेट्रोग्रेड यानी कि बैकवर्डली जाता है. ओके, सुपीरियर वेना कावा में ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा. अल्टीमेट राइट एट्रियम में ना आते हुए वो रेट्रोग्रेड होता है. रेट्रोग्रेड मतलब वो सब क्लेवियन वेन में चला जाता है. ओके, एंड वेन ऑफ हेड एंड नेक में चला जाता है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि साइनोसिस एंड कंजेशन हो जाता है. अगेन इसको ये सेंटेंस में आपको पढ़ूंगा कि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा इनटू द सब क्लेवियन वेन एंड वेन ऑफ द हेड एंड नेक अकर लीडिंग टू द साइनस एंड कंजेशन. ओके, सिंपल सा मतलब है इसका. अल्टीमेटली सब क्लेवियन वेन और कैरोटिड जो हमारे जो जुगलर वेन होते हैं ना, ये दोनों वेन अल्टीमेटली सुपीरियर वेना कावा वेन फॉर्म करते हैं. ओके, सॉरी, सुपीरियर वेना कावा ये फॉर्म किससे होता है? दो वेन से बनता है. ओके, सब क्लेवियन वेन और अल्टीमेटली हमारा जुगलर वेन. ओके, अभी सुपीरियर वेना कावा अल्टीमेटली उसमें ब्लड है और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया अगर हुआ है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड है ना वो आइदर गो इन टू द सब क्लेवियन वेन और वो हमारे जुगलर वेन में चला जाता है. अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि कैरोटिड वेन जो रहते हैं जिसे हम जुगलर वेन वगैरह जो बोल सकते हैं. ओके, अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि वो हेड एंड नेक में फर्दर चले जाते हैं और वहाँ पे कंजेशन एंड साइनोसिस हमें देखने को मिलता है. ओके, जो वॉल्व होते हैं सब क्लेवियन वेन के प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ द वेन इन द अपर लिम. ओके, तो वॉल्व इन द सब क्लेवियन वेन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स टू द वेन ऑफ द अपर लिम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड इन टू द वल्वलेस वेन ऑफ द हेड एंड नेक कॉसेज द रप्चर ऑफ द डिस्टल वेन्यूल्स एंड कैपेलरीज. ओके, तो अल्टीमेटली जो वेन्स होते हैं उनमें वल्व लगे होते हैं. सब क्लेवियन वेन के जो वल्व होंगे वो तो जो वेन सॉरी वो जो ब्लड आया रहेगा कंप्रेस करके जो सुपीरियर वेना का जो ब्लड सब क्लेवियन वेन में जो आएगा अल्टीमेटली जो सब क्लेवियन वेन में जो वल्व है ना वो बोलते कि अभी मुझे ब्लड नहीं चाहिए. वो क्या करते कि जो वल्वलेस जो वेन होते हैं ना हमारे जो जुगलार वेन वगैरह जो रहेंगे ना उनमें वो क्या करते हैं फिर से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. ओके, क्योंकि वो वल्वलेस वेन है उसको उसमें ट्रांसफ़र करके जो ब्लड जो होता है ना अल्टीमेटली वहाँ पे बढ़ जाता है हमारे सेरेब्रल यानी कि ब्रेन में ब्लड बढ़ते जाता है. ओके, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो रपचरिंग ऑफ द वेन्यूल्स कैपिलरीज इससे होता है. ओके, और वहाँ पे सीवर कंजेशन सीवर हेमरेज ये सभी हमें देखने को मिलता है. ओके, एज अ रिजल्ट देर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस आर्टीरियल हीमोरेजेस इन टू द आई लीड एंड कंजक्टिवा विथ एडिमा ऑफ कंजक्टिवा विथ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड टीयर्स. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन फीचर्स हैं कि पहली बात आपको मैकेनिज्म समझना है कि सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड आया था अल्टीमेटली रेट्रोग्रेड इनका पोजिशन होता है. रेट्रोग्रेड आने के बाद सब क्लेवियन वेन में जो वल्व लगे रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी ब्लड मैं नहीं लूँगा. ओके, और अल्टीमेटली वो प्रिवेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लड को जो भी सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड था. ओके, जो सब क्लेवियन वेन में जो गया ड्यू टू द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया सब क्लेवियन वेन अल्टीमेटली फॉरवर्डेड द वे फॉरवर्डेड द ब्लड ओके इनटू द जुगलार वेन. ओके, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो ब्रेन होते हैं उनमें कंटिन्यू ब्लड बढ़ते जाता है. कंजेशन हिमोरेजेस कंटिन्यू बहुत ही देखने को मिलती है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्मॉल कैपिलरीज तो स्मॉल कैपिलरी है ऑलरेडी फिलअप ही है और कंटिन्यू अगर उसमें अगर हम डालते जाएंगे अगर वो फिलअप होते जाएगा तो इससे क्या होगा उनमें रप्चर देखने को मिलेगा. ओके, एंड रप्चर रिजल्ट इन द हिमोरेजेस. ओके, तो इससे क्या होता है सीवियर ओके न्यूमरस आर्टेरियल हिमोरेज हमें वहाँ पे देखने को मिलता है आईलिड कंजक्टिवा स्क्लेरा में. ओके, इंटरनल ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड एंड द पिटेचुअल हिमोरेज मे बी फाउंड इन द प्लूरा एंड पेरिकार्डियम. ओके, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम में भी जो हिमोरेजेस जो पिटेचुअल हिमोरेज है वो हमें फाइंड आउट मिल सकता है. ओके, एबनॉर्मल पर्पल रेड कलर मे परजेंट फॉर द सेवरल डे. ओके, आफ्टर रिजॉल्व के बाद वो वहाँ पे चले जाता है. ओके, उसमें स्कार वगैरह नहीं बनता है. मे बी प्रेजेंस ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द रिब. ओके, पोजिशनल एस्फिक्सिया
अल्टीमेटली एक्सीडेंटल होता है ये, एसोसिएटेड विद द अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन. इंडिविजुअल बिकम इंटॉक्सिकेटेड एंड फॉल इनटू द रेस्ट्रिक्टिव एरिया वेर बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन ऑफ दिस बॉडी ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और पोजीशन एंड देर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हिज एबिलिटी ऑफ ब्रीथ. ओके, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड बंदा होगा, अगर वो किसी कीचड़ वगैरह में गिर गया है, उसको पहले से ड्रॉजीनेस स्टेट में है, पहले से उसका माइंड काम नहीं कर रहा है और अल्टीमेटली वो गिर गया है कीचड़ में, उठ नहीं पाएगा. ओके, अगर कोई मड में गिर गया है तो वो उठ नहीं पाएगा. ओके, और उठ नहीं पाएगा तो ब्रीथ तो ले नहीं पाएगा. तो इससे क्या होता है कि ये पोजिशनल एस्फिक्सिया होता है, यानी कि वो खुद तो उठ सकता था लेकिन अभी इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रग लिया है. ओके, और दैट्स वाई एक्सीडेंटली वो हुआ है. ओके, वो खुद तो गिरना नहीं चाहता था, उसने अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया है, उसने अपने प्लेजर के लिए वो सभी कंज्यूम किया है, अभी गिर गया, मड में गिर गया, अभी उसकी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंटली फॉल हो गया है, तो अभी ब्रीथिंग तो ले नहीं पाएगा क्योंकि उठने के पास ना उसके पास एफर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे जो नर्व हैं वो सभी अल्टीमेटली डिप्रेस हो गए हैं. क्यों? क्योंकि अल्कोहल लिया उसने. ओके, तो अल्टीमेटली ये पोजिशनल एस्फिक्सिया जिन्हें हम बोलते हैं. ओके, पोजिशनल एस्फिक्सिया आकर इफ इंडिविजुअल फॉल डाउन अ वेल. ओके, जब वो कुएं वगैरह में गिर जाता है एंड वेज बिटवीन द वॉल्स. ओके, एवरी टाइम ही एक्सेल्स ही स्लिप फर्दर एंड फर्दर डाउन द वेल प्रिवेंटिंग द इनहेलेशन. ओके, अल्टीमेटली जब वो कुएं वगैरह में गिर जाएगा तो खुद तो वो आ नहीं पाएगा, खुद तो वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उतना एफर्ट लेने के लिए अभी एनर्जी नहीं है. ओके, ओवरलाइंग, ओवरलाइंग मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब मतलब छोटे से बेड पे जब ज़्यादा लोग सोते हैं और वहाँ पे अगर चिल्ड्रंस अगर है. ओके, चिल्ड्रंस मीन्स अगर कोई छोटे बच्चे विद मदर एंड हस्बैंड, सॉरी हस्बैंड एंड वाइफ के साथ अगर टू टू थ्री अगर चिल्ड्रंस अगर सोते हैं, तो इससे क्या होता है कि हस्बैंड एंड अगर वाइफ अगर वो मूव करते हैं तो उनका जो मूव करते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे साइड्स, मतलब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो साइड्स में टर्न होकर सोते हैं. ओके, तो ड्यूरिंग द वहाँ पे क्या होता है कि सोते समय किसी को कुछ पता तो होता नहीं कि कौन से साइड टर्न हो रहे, क्या हो रहे. ओके, ओके, हालांकि स्मार्ट वॉच वगैरह जो होते हैं वो कुछ बताते हैं कि आपने कौन से साइड टर्न किया था, कितना साइड कितने बार टर्न किया था. ओके, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर छोटा सा बेड रहेगा और दो तीन अगर चिल्ड्रंस हैं और एक हस्बैंड एंड वाइफ अगर उसके ऊपर सोते हैं. ओके, तो इससे क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के जो मूवमेंट्स होंगे ना, उनके बॉडी की जो मूवमेंट्स होगी जो वो टर्न करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ टू ईयर या फिर जो वन ईयर, इससे क्या होता है कि दे मे कंप्रेस. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवरलैंग बोलते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया एंड स्मोदरिंग, मैकेनिकल एस्फिक्सिया हो रहा है, स्मोदरिंग हो रहा है. ओके, मोस्ट कॉमनली व्हेन एन इन्फेंट इज पुट टू द बेड विद द वन और मोर अडल्ट. ओके, क्रशेस एंड एस्फिक्सिएट्स द इन्फेंट्स बाय कंप्रेसिंग द चेस्ट. चेस्ट उसका कंप्रेस होता है, अल्टीमेटली क्या है, चेस्ट जब कंप्रेस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बोलते हैं, मैकेनिकल एस्फिक्सिया बोलते हैं. और स्मॉदरिंग हो रहा है मतलब अल्टीमेटली उसके ऊपर हम उसके माउथ एंड जो नोज है. ओके, वो अल्टीमेटली कवर हो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ द चाइल्ड इज फाउंड डेड विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ट्रामा. ओके, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिन्हें हम बोलते हैं. ओके, तो दिस डेथ आर ऑफन थू टू बी ड्यू टू द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. ओके, फाइंडिंग आर नॉन स्पेसिफिक, क्यों गया क्यों मरा, दैट इज नॉन स्पेसिफिक ड्यू टू द पर्टिकुलर ओवरलाइंग, यही मेन इसका कॉज था. फ्यू फाइन पिटिचल हिमरेज ओवर द फेसेस बट नो ओवर द स्किलर एंड कंजक्टिवा. ओके, ये इंग्लैंड में ज़्यादा इसका देखने को मिलता है. ओके, इन इंग्लैंड अंडर द चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एक्ट 1933 ये एक्ट बना हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस है. ओके, शेयर बेड बाय अ पर्सन ऑफ द एज ऑफ 16 ईयर और मोर विद एन इन्फेंट इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट. ओके, एज अ चाइल्ड डाई और सफोकेशन. ओके, अल्टीमेटली एक्ट बना हुआ है और उनको वहाँ पे कुछ जो भी कुछ इम्प्रिजनमेंट वगैरह जो है उनको वहाँ पे लेना पड़ता है. ऑटोप्सी फाइंड क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ पिटिचल हिमोरेज. ओके, बिनी द कंजक्टिवा, एपिकार्डियम एंड प्लूरा. ओके, ये देखिए एविडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैटिंग ऑफ द फेस एंड नोज मे और मे नॉट बी देयर. ओके, जो ब्लड टिंज है. ओके, वो ब्लड टिंज फ्रोथ मिल सकता है उसके माउथ में, नोस्टिल्स में. ओके, एंड अल्टीमेटली मे जो मे स्टेन द बेड क्लोथिंग. ओके, अब्सेंस ऑफ इंजरी मार्क्स ओवर द बॉडी. हमारा नेक्स्ट टाइप आता है सफोकेशन का, दैट नथिंग बट बर्किंग. ओके, बर्किंग अल्टीमेटली आप ये जब ये जो यहाँ पे ड्रॉनिंग जो लिखा गया ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. जो बर्किंग हमारा है ना, बर्किंग अल्टीमेटली ये फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल मैकेनिकल एस्फिक्सिया है. इसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉदरिंग एंड जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया दोनों इसमें रहता है, बर्किंग दोनों इंक्लूड स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. ओके, अल्टीमेटली जो बर्क एक पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट था, ये क्या करते थे पता है, बर्क एंड हेरे करके दो साइंटिस्ट थे. यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया शायद,
हाँ दिया, या दिया, यस इट इज़ गिवेन, या इट इज़ गिवेन। ये देखिए, बर्के लेटर कन्फेस टू 16 ऑफ सर्च मर्डर वेयर वे कमिटेड फॉर गेन। ओके, अल्टीमेटली हेरे एंड बर्के ऐसे दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट मतलब ऐसे दो, मतलब वो दो आदमी थे। वो क्या करते थे पता है क्या, वो बॉडी को मतलब ऐसे लाइव बॉडी को क्या करते थे, मार के बेचते थे। ओके, किसी डॉक्टर्स को या फिर किसी डीलर को वो बेचते थे। ओके, मतलब लाइव बॉडी को ही मार के वो बेचते थे। उनका मारने का तरीका होता था कि एक जो हरके था, ओके, जो एट द राइट नाउ आई एम नॉट रिमेनिंग दैट वर्ड, ओके, तो हरके यानी कि ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर नाम है। ओके, हरके क्या करता था, उसके लेग्स और उसके हैंड्स को वगैरह को पकड़ता था, और जो हमारे जो बर्क जो आदमी था, जो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो बंदा था, वो क्या करता था पता है, वो पर्टिकुलर कोई लेडी है या फिर कोई मैन है, जो भी कुछ है, उसके चेस्ट के ऊपर बैठ के उसके नोज़ एंड माउथ को कंप्रेस करता था। ओके, तो इन्हीं को हम बोलते हैं बर्किंग। ओके, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बंदे का ही नाम था बर्क, और पर्टिकुलर बर्क वो एक्ट करता था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बर्किंग बोलते हैं। ओके, तो बर्किंग में दो इंक्लूड होती है, माउथ बंद कर रहा है जिन्हें हम स्मॉदरिंग बोलते हैं, और उसके चेस्ट के ऊपर बैठा, उसके अब्डोमेन के ऊपर बैठा ताकि वो इजीली उसको मार सके। तो दैट इज़ नथिंग बट आवर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ओके, तो अल्टीमेटली दोनों जो मैन थे, उन दोनों मैन क्या करते थे, बहुत सारे वो डेथ वगैरह करते थे। ओके, जानबूझ के मारते थे और बाद में बॉडी को बेचते थे। ओके, तो अल्टीमेटली ये पहले का केस था बर्के। ये देखिए, ये सामने दिया और मैं यहाँ पे पीछे टर्न करके देख रहा हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली जब टाइम मिला तब मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो वगैरह बना देता हूँ कि जो भी कुछ बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट वगैरह मिले। ओके, तो अल्टीमेटली इतना मुझे मतलब ये बिफोर द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, मैंने इसको जस्ट एक बार गो थ्रू वगैरह कैसा मारा वगैरह कुछ नहीं हूँ, जस्ट मैंने जब मैं पर्टिकुलर ये चैप्टर देख रहा था, ओके, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने अंडरलाइन कर दिया हाईलाइटेड कंटेंट को। ओके, फॉर यू, ओके, फॉर यू ओनली, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बुक। ओके, तो अल्टीमेटली बर्के एंड हेयर वो क्या करते हैं, मर्डर करते हैं ड्यूरिंग 1820 एडिनबर्ग में, हु सप्लाई डेड बॉडी फॉर एनाटोमिकल डायसेक्शन इन टू द मेडिकल स्कूल्स। ओके, तो इन्वाइट द इंडिविजुअल टू देयर हाउस, वो पहले इन्वाइट करते हैं अपने हाउस में। ओके, और बाद में उसको इंटॉक्सिकेट करते हैं विद द जो भी कुछ इंटॉक्सिकेटेड जो मटेरियल थे। ओके, और बाद में बर्के वुड नील, ओके, नील मतलब घुटने टेक कर बैठता है ओवर द सीट ऑन द चेस्ट, ओके, कवरिंग द माउथ एंड द नोस्टिल विथ हिज हैंड एंड दस प्रोड्यूसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एंड स्मॉदरिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। पहले वो घर पे बुलाते हैं अपने और क्या करते थे, उसको इंटॉक्सिकेट करते थे और डेड बॉडी की वो डील करते थे, वो मेडिकल स्कूल में उसको भेजते थे। ओके, सफोकेशन फ्रॉम द इररेस्पिरेबल गैसेस, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन आर टू मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर सफोकेटिंग गैसेस। ओके, बोथ आर एसेंशियली नॉन टॉक्सिक, दोनों नॉन टॉक्सिक हैं, ऑर्डरलेस हैं एंड आर फाउंड इन माइंस। ओके, अल्टीमेटली रिडक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू लेस देन 25% ऑफ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय इनर्ट गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथन प्रोड्यूसेस अनकॉन्शियस इन सेकेंड एंड डेथ इन अ मैटर ऑफ मिनट। ओके, तो अल्टीमेटली वही है कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते विद द हेल्प ऑफ अदर इनर्ट गैसेस। आप सिंपली लिख सकते हो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सीजन विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन विद द इनर्ट गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन। ओके, एंड प्रोड्यूसेस द अनकॉन्शियस इन अ सेकेंड एंड डेथ इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मैटर ऑफ मिनट। ओके, इफ डेथ इज प्रोलॉन्ग द इंडिविजुअल अपीयर साइनोटिक एंड पोटेंशियल हिमोरेज ओवर द एपिकार्डियम and the visceral pleura may seen. Okay, toxicological analysis for the methane can be done. Okay, so ultimately when is detected in blood non-toxic death cannot be attributed to it. Okay, तो ultimately वहीं यहाँ पे बताया गया है कि बाकी इतना important नहीं है, नो इतना pressure वगैरह, बाकी ये देखिए suffocation from irrespirable gases इतना point enough है to understand in better manner. Okay, तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा मतलब इनर्ट गैसेज वगैरह जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, इनर्ट गैसेज बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सफोकेशन फील होता है ड्यू टू द इररेस्पिरेबल गैसेज, यानी कि रेस्पिरेशन ले रहे हैं लेकिन उसमें रेस्पिरेशन लेने वाला जो गैस है वही प्रॉपर नहीं है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज़ क्लास गाइस, हियर वी हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ सफोकेशन, स्मॉदरिंग, बर्किंग, ओके, गैगिंग, चॉकिंग, जो भी कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया, डिटेलली आपको बताया
इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू आर फ्री टू आस्क मी ओके. कभी शेम मत करो, डोंट शेम टू आस्क योर डाउट ओके. यू आर फ्रीली टू आस्क मी इन एनी क्वेश्चन. अगर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो तो चलेगा, नो वरी ओके. यू इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी इन योर माइंड, उसको अपने माइंड में मत रखिए, लेट देम पुट इट आउट ओके. थैंक यू.